नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ इन सेकेंड। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार वाले सरलीकरण, यानी कि दोस्तों जो आवर्ती अशांत वाले दशमलव भिन्न जो होते हैं उनके बारे में कि वो किस तरह से आपको उन्हें सोल्व करना होता है। तो चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और फिर मैं उन्हें सोल्व करके बताऊंगी कि आपको उन्हें सोल्व कैसे करना होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी आपके पास जो बार दिख जाती है उसका मतलब होता क्या है। दोस्तों बार का मतलब होता है कि उसके जो अपोजिट यानी कि उसके बटा में दोस्तों आपके पास ऐसी संख्या है जिससे उसमें भाग देने पर आपके पास जो ये वाली संख्या होती है ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो भी संख्या बार में है वो एक अनंत तक चलने वाली संख्या के रूप में होती है। और दोस्तों आपको उन्हें सॉल्व करना कैसे होगा तो आपको बता देती हूँ। दोस्तों जब भी आपके पास आपको ऐसी संख्या दिख जाए कि यहाँ पे आपके पास 0.3 बार आपको दिया हुआ है, अब आपको इसे बताना है कि आप यदि इसे सरल भिन्न में बदलते हैं तो उसे आप कैसे बदलेंगे। दोस्तों भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जितनी भी संख्या है यहाँ पे बार में आपको उसके बटा में यानी कि उस संख्या के बटा में आपको 9 लगा देना है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी आपके पास बार के बीच में संख्याएं होंगी उसके बटा में आपको लगाना है 9। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास ये संख्या है 3। ठीक है, और बटा में लगाना है आपको 9। तो दोस्तों ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 3/9। ठीक है, ये आगे कट सकती है तो इसे और काट लेंगे तो दोस्तों ये कट जाएंगी, 1/3 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.3 बार को हम सोल्व करते हैं दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपके पास 1/3। ठीक है, इस तरह से आपको इन्हें सोल्व करना होता है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक संख्या और है 0.145 बार। ठीक है, अब इसे आपको बदलना है दोस्तों एक सरल भिन्न में, तब आप कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बार में आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं उनके बटा में आपको 9 लिख देना है, जितनी की संख्याएं उसी लेवल में, यानी कि बस 3 संख्या आपके पास बार में है तो बटा में 3 आपको 9 लिख देने होंगे, यानी कि 999 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों इसे सोल्व करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास फिलहाल संख्याएं हैं 3। ठीक है, जिनके ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1, 4 और 5। अब यदि इसे सरल भिन्न में बदलना है तो हम बटा में लेंगे 9 और जितनी संख्या है उतनी यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएंगे 145/999। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपके पास कोई भी संख्या आपको दी हुई होती है जिसमें से आधी संख्या दोस्तों आपके पास होती है बार में और आधी संख्या आपके पास होती है बिना बार में, यानी कि आपके पास दोनों ही संख्याओं का मिक्सअप होता है। अब उन्हें आप सोल्व कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैंने आप एक एग्जाम्पल लिया है 0.1345 और 4/5 के ऊपर लगी हुई है बार। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले जो कंडीशन आपकी अप्लाई होगी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी संख्या को ही यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, संख्या हमारी 1345। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि माइनस करेंगे जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास 1, 3 यानी कि 13 पे आपके पास जो बार है वो नहीं लगा हुआ है, 4, 5 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम 1345 में से इन बिना बार वाली संख्याओं को कर देते हैं माइनस। ठीक है, और बटा में हम क्या लेंगे दोस्तों, बटा में हम लेंगे जितनी आपके पास बार के अंदर संख्याएं हैं उतने 9 लेने हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास 2 संख्या है बार में तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, 9। ठीक है, इसके अलावा और चीज यहाँ पे कि अभी आपके पास यहाँ पे जो 13 है ये बिना बार वाला बाकी है, अब आपको जितनी संख्याएं बार के अंदर नहीं आ रही है उतने आपको यहाँ पे 0 ले लेने हैं। दोस्तों 2 संख्या है जो आपके बार के अंदर नहीं आ रही है तो यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों 2, 0। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए दोस्तों, 1345 में से हम घटा देते हैं 13, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1332 और बटा में आपके पास क्या है 99, 100। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों आपके पास सोल्व करने पे ये वाली सरल भिन्न प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल और है कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 8.47 और 4/7 पे लगी हुई है बार। अब इसे आप सोल्व कैसे करेंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं लगी हुई है पॉइंट से पहले, ठीक है, उसको तो हम एज इट इज रहने देंगे इस तरीके से ही, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक संख्या है 4/7 जिसके ऊपर लगी हुई है बार, तो दोस्तों हम इसे भिन्न बदलेंगे तो क्या करते हैं 4/7 और बटा में 2 संख्या है बार में तो 2 बार लगा देंगे यहाँ पे हम 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि आपके बोर्ड मास रूल के अंदर हो जाते हैं या फिर और किसी तरीके से आपके पास संख्याएं आ जाती हैं, तो उन्हें आपको सोल्व कैसे करना है वो देखिए।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास एग्जाम्पल में हमने लिया है कि 3.47, 47 पे लगी हुई है बार, प्लस 1.04, और यहाँ पे आपके पास 04 पे बार लगी हुई है, प्लस 3 और 0.01, 0.01 पे यहाँ पे लगी हुई है बार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो संख्याएं पॉइंट से पहले हैं और उन पे बार लगी हुई नहीं है तो हम उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, 3 और 1 4 और 4 और 3 7, यानी कि वो संख्या तो हो गई आपकी 7। ठीक है, अब आपको जो बार वाली संख्याएं हैं उन्हें जोड़ना है। दोस्तों इसमें रूल आपका अभी वही अप्लाई होगा जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 4 7, और यहाँ पे ये 2 संख्याएं हैं बार में, तो दोस्तों हम बटा में ले लेंगे 2 बार 9। ठीक है, फिर प्लस प्लस, आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 2, ये आपकी है 0 4। दोस्तों आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे यदि 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका कोई मीन्स नहीं है। इस तरह की जब भी आपके पास कंडीशन दिखे आपको 0 को भी एक संख्या ही मानना है। ठीक है, और बटा में आपको क्या लेना होंगे, 2 ही बार आपको 9 यहाँ पे लेना होगा। फिर प्लस, फिर प्लस में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 1। ठीक है, तो 0 1 और बटा में 9 9। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा आ जाएगा 99। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे, 47 और 4 हो जाते हैं 51, 51 1 हो जाएगा 52, यानी कि ये आपका हो जाएगा 52 बटा 99। दोस्तों 7 आपके पास ये है और यहाँ पे आपके पास भिन्न आ गई है 52 बटा 99, यानी कि इसको सोल्व करने के दोस्तों आपके पास ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका ये होगा। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है कि 0.4 बार गुणा में 0.3 बार आप करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब भी हमें इसका रूल पता नहीं होता है, यदि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा इस तरीके का तो होगा, ऐसा होगा कि आपको ये रूल पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे 4 को 3 से, यानी कि वो आपका हो गया 12। लेकिन दोस्तों इस तरह से इसको सोल्व नहीं करते हैं, आपको क्या इसमें करना क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें सोल्व उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं, आपको बटा में लेना है 9 इसको सोल्व करने के लिए, यानी कि इसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपकी संख्या हो जाएगी 4 और 4 के बटा में हम ले लेंगे 1 बार 9। ठीक है, फिर इसको हम गुणा करेंगे 3 और फिर बटा में हम क्या लेंगे 9, बार हटाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे 9। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, दोस्तों 4 3 हो जाएगा 12 और 9 निम्न 81। अब यदि आप 12 में 81 का भाग देंगे तो दोस्तों वो आपका आंसर आएगा 0.148, यानी कि जो 148 है दोस्तों इनकी बार बार जो अनंत तक है आपके पास ये संख्याएं आती चली जाएंगी। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे इसमें बार लगा देना होगा। ठीक है, यानी कि एक बार वो संख्याएं लिखी जो रिपीट हो रही है बार बार और उन पे हमने लगा दिया बार, तो वो संख्याएं आपकी अनंत तक चलती रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल और है हमारे पास, देखिए 0.4 का वर्गमूल क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों वर्गमूल आपको बताना है 0.4, दोस्तों यहाँ पे बार भी लगी हुई है। अब आपको इसे सोल्व करना कैसे है, दोस्तों आपको रूल अभी भी वही अप्लाई करना है। वर्गमूल का मतलब होता है कि आपको इसका वर्गमूल बताना है, लेकिन यहाँ पे ये बार लगी हुई है तो इसमें आपको थोड़ा चेंज हो जाएगा, और चेंज भी दोस्तों वही आपको होगा कि आपको क्या करना होगा कि वो संख्या लीजिए और जितनी संख्या में बार लगा है उतनी संख्या में 9 आपको ले लेना है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 बटा में 9। अब देखिए 4 भी एक संख्या का वर्गमूल होता है और 9 भी, यानी कि 4 तो होता है दोस्तों हमारे पास 2 का और 9 होता है 3 का। ठीक है, तो इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या जाएगा, यानी कि 20 ये 2 में हम 3 का भाग देंगे तो वो आपका आएगा 0.666। इस तरीके से ये संख्याएं चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें जो इसका आंसर चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए बार में। तो बार का मतलब आपके पास क्या, आप एक संख्या पे लगा दीजिए बार जो कि बार बार हो रही है रिपीट। ठीक है, और वो आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6 बार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अब दोस्तों इसका लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों 1.525252 को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसके अंश व हर का योग क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इस संख्या को आपको एक सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आपको इसको चेंज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास है 1.5252, यानी कि 5 2 की आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है आपका। तो आप क्या करेंगे इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए, सबसे पहले तो हम 1.52 और फिर हम इस पर लगा देते हैं बार। ठीक है, अब इसको आप सरल भिन्न में जब बदलेंगे दोस्तों तो एक का एक तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो बार वाले जो हैं ये आपका है 52
यानी कि 52 पे आपकी लगी हुई है बार, और बटा में आपको दो संख्या लेनी होगी 9 की, यानी कि जितनी संख्या पे बार लगी है उतनी संख्या में आपको 9 लेने होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 बार 9, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, चाहे तो आप इसको बटा में 1 रख के जब इसको जोड़िए, या फिर आप क्या करिए यहाँ पे हम सीधे ही ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखिए 99 को हम 52 से प्लस करेंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 151, और 151 और बटा में हमारे पास है 99। आपको भिन्न नहीं बताने, आपको बताना है कि उसके अंश में हर का योग क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको 151 प्लस में कर देना होगा 99। अब इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 9 और 10, और ये आपका हो जाएगा 15, और यानी कि 250 दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा अंश और हल को जोड़ने पर। दोस्तों इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट है या जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा आपका टॉपिक है जो आपका रह रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे वो करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।